तो चलिए अब कुछ फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बहुत लार्ज होते हैं क्योंकि उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में जो पूरा एंटायर डेटाबेस रहता है उसके सारे टेबल्स उसके रिलेशनशिप्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ईआर डायग्राम और ईआर मॉडल जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो वो कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे। दे आर जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन इन जनरल। जनरलाइजेशन क्या होता है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक लार्ज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया है और उस पार्ट को लेके यहाँ पे जनरलाइजेशन समझने की कोशिश की है। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द सेट ऑफ एंटिटीज एंड क्रिएट अ जनरलाइज्ड एंटिटी फ्रॉम इट। मतलब अगर ये एक एग्जांपल आप लोग देखते हैं तो ये एक पर्सन नाम का टेबल है, उसमें पर्सन एड्रेस एंड पर्सन नेम ये दो कॉलम है। तो द पर्सन इज अ फैकल्टी और अ स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट इज पेइंग द फीस। तो ये फैकल्टी एंड अ स्टूडेंट इफ यू विल सी देम, सो फैकल्टी इज अ पर्सन और स्टूडेंट इज अ पर्सन। सो फैकल्टी और स्टूडेंट को हम लोगों ने जनरलाइज किया है पर्सन में यूजिंग द रिलेशनशिप इज अ, सो इट इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। आप लोगों के अलग अलग ईआर डायग्राम में जनरलाइजेशन भी अवेलेबल रहता है और समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द जनरलाइजेशन इन टू द लार्ज गिवन ईआर डायग्राम। इट इज अ बॉटम अप अप्रोच इन विच टू और मोर एंटिटीज कैन बी जनरलाइज इन टू अ हायर लेवल एंटिटी इफ दे हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो ये टॉप बॉटम अप अप्रोच है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इज डिफरेंट देन द जनरलाइजेशन। इन स्पेशलाइजेशन एन एंटिटी इज डिवाइडेड इन टू सब एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय के दो एट्रीब्यूट है सैलरी एंड एम्प्लॉय नेम। नाउ एम्प्लॉय इज अ टेस्टर और अ डेवलपर, टेस्टर विल हैव सम टेस्ट टाइप्स। सो यू कैन सी ओवर हियर, हियर देर इज अ ट्राइंगल विच इज अपवर्ड बिकॉज ऑफ दैट। वाई? बिकॉज इट इज अ बॉटम अप अप्रोच, इट इज गोइंग फ्रॉम फैकल्टी स्टूडेंट टू अ पर्सन। सो फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स आर जनरली अ पर्सन। नाउ यहाँ पे जो ट्राइंगल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एम्प्लॉय इज स्पेशलाइजेशन उसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो टेस्टर भी रह सकता है या डेवलपर भी रह सकता है। तो ईआर डायग्राम में ऐसे भी सिनेरियोज रहते हैं जबकि आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है, या आपके ईआर डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको जनरलाइजेशन भी ड्रॉ करना है या स्पेशलाइजेशन भी ड्रॉ करना है, तो ये कंसेप्ट उसमें आपको समझने में आसानी होगी। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच, सो फ्रॉम टॉप इट इज कमिंग टू डाउन वेयर अ हायर लेवल एंटिटी इज स्पेशलाइज्ड इनटू टू और मोर लोअर लेवल एंटिटीज। और आपके ईआर डायग्राम में एग्रीगेशन भी हो सकता है। तो एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स एज अ हायर लेवल एंटिटी सेट्स। तो एन ईआर डायग्राम इज नॉट केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटी एंड अ रिलेशनशिप। जनरली हम लोग जो रिलेशनशिप हम हमारे ईआर डायग्राम में बताते हैं तो वो एक एंटिटी का रिलेशनशिप हम लोग दूसरे एंटिटी के साथ बताते हैं, मतलब एक टेबल को हम लोग दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को हम लोग एंटिटी के साथ कनेक्ट नहीं करते। तो अगर आप लोगों को रिलेशनशिप को एंटिटी के साथ कनेक्ट करना है तो आप लोग एग्रीगेशन का यूज कर सकते हो। इन दोज केसेस द रिलेशनशिप विथ करस्पॉन्डिंग एंटिटीज इज एग्रीगेटेड इन टू द हायर लेवल एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट है, एक टेबल है, एम्प्लॉय एक टेबल है। एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट, मेनी एम्प्लॉयज
आर वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट। तो ये दो टेबल के बीच में हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशनशिप बताई है। रिलेशनशिप क्या है? वर्क्स फॉर, मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर मेनी प्रोजेक्ट्स, दिस इज द रिलेशनशिप। नाउ ये एक हायर लेवल एंटिटी सेट इसको दिखाया गया है। यहाँ पे देखो एंटिटी अगर दिखाते हैं तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगल के नोटेशन से। तो एक रिलेशनशिप को हायर लेवल एंटिटी सेट यहाँ पे बताया गया है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल रिक्वायर मशीनरीज ओवर देयर। तो ये एक एंटिटी है, उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप से। तो दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप मेनी मेनी प्रोजेक्ट्स एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मेनी एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर अ प्रोजेक्ट, दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इन मल्टीपल इंस्टेंसेस में रिक्वायर मल्टीपल मशीनरीज। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीगेशन। सो इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सेट्स, रिलेशनशिप्स एज अ हायर लेवल एंटिटी सेट्स। हियर वी आर कनेक्टिंग दिस एंटिटी सेट विद दिस पर्टिकुलर एंटिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। थैंक यू।